खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने पोस मशीन की सुविधा लाभार्थियों को भले ही उपलब्ध करा दी, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना अभी भी चुनौती बना है। विकास खंड सागर की ग्राम पंचायत निवादा किशनगढ़ में घटतौली के साथ कई लोगों को राशन से वंचित रहने की शिकायत सामने आई। लाभार्थी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जिले के आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसरों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा। फिलहाल कार्डधारक त्रस्त हो चुके हैं। बता दें, लॉकडाउन 2.0 के दौरान राशन वितरण में हो रही धांधली से नाराज नेवादा किशनगढ़ के सैकड़ों कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड को पड़ोस के ग्राम पंचायत दक्षिण गांव ब्लॉक सागर में स्थानांतरित करवा लिया। इतना ही नहीं, कोटेदार से तंगा कर किशनगढ़ के कई और कार्ड धारक अपने कार्ड को दक्षिण गांव में स्थानांतरण करवाने की जिला पूर्ति अधिकारी से मांग कर रहे हैं। राशन कार्ड धारकों ने किशनगढ़ के कोटेदार पर आरोप लगाए कि वे अंगूठा लगवा कर राशन नहीं देते और कार्ड धारकों से अभद्रता करते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला जज और पूर्ति अधिकारी से की है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम कुमार सिंह। अच्छा, क्या दिक्कत है? आप लोग कोटेदार के खिलाफ जिला पूर्ति निरीक्षक को एप्लीकेशन दे रहे हैं दूसरी जगह जुड़वाने के लिए। कोटेदार के मतलब कि कमलेश सिंह के खिलाफ दरखास्त इसलिए देना चाहते हैं कि वो चार चार दिन तक अंगूठा लगाएंगे, बहाना बनाते हैं मशीन नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा, चार दिन बाद अंगूठा लगा तो फिर चार दिन के बाद दौड़ाएंगे तो कहीं राशन देंगे, उसमें भी एक यूनिट दो यूनिट बता के काटेंगे, उसके बाद घटतौली भी करते हैं, मतलब कि दो किलो चार किलो फालतू काट लेते हैं और दो यूनिट काटने के बाद भी। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम है कमलेश सिंह। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत? किशनगढ़ सागर ब्लॉक अमेठी सुल्तान अमेठी जिला। तो आप ही अकेले हैं या कई लोगों? नहीं, हमारे साथ 11 आदमी हैं। अच्छा, 11 आदमियों के सिग्नेचर और मोबाइल नंबर सब किए हुए हैं, सबको हमने लिखित दिया, लिखित पढ़ा करके फिर साइन करवाया हुआ है। तो किसी अधिकारी संपर्क किया आपने? हाँ जी, मैंने DM साहब को दो बार फोन किया, उसके बाद में SDM साहब को किया और उसके बाद में ये पूर्ति विभाग अधिकारी के पास किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कल की डेट में हमने फिर जो है मतलब कि एरिया इंस्पेक्टर को पास किया, जो सप्लाई है। अच्छा, सप्लाई दिलवाते हैं कोटेदारों को, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस खबर में बस इतना ही।